आज सारे देश विच 15 अगस्त का दिहाड़ा मनाया जा रहा है और लोग आजाद देश विच सा ले रहे ने और ए आजादी लैण वास्ते देश नू आजाद करवाउण वास्ते बहुत सारियां कुर्बानियां देश नू देनियां पईयां। जे पंजाब दी गल करिए तां सब तो वध कुर्बानियां पंजाबियां वल्लों दित्तियां गईयां ने, चाहे ओह किसी भी तरीके नाल दित्तियां गईयां होण। लेकिन जदों देश आजाद हो जांदा है ता उस तो बाद उस वेले वंडी पै जांदी है, हजारां लखां लोग जिहड़े ने ओह मारे जांदे ने, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जांदा, इक दूसरा देश जिहड़ा ओह खड़ा कर दिता जांदा। लेकिन ओह टुट्टिया पंजाब चों हुंदा है, पंजाब दा जिहड़ा रकबा है, पंजाब दी जिहड़ी जमीन है ओह घट जांदी है और कई लख परिवार जिहड़े ने ओह उजड़ जांदे ने और बहुत सारी कीमती जानां उस विच चलियां जांदियां ने। जे आपां अज दी गल करिए तां आजादी इस करके लई सी कि साडी अपनी सरकार होएगी, साडे अपने नुमाइंदे होणगे, ओह देश वासियां लई सही तरीके नाल काम करन। लेकिन जे आपां पिछले 74 सालां दी गल करिए तां बहुत कुछ ऐसा ठीक नहीं होया है। पॉलिटिकल जिहड़ियां पार्टियां ने ओह अपने स्वार्थ वास्ते किसी भी कीमत ते जा सकदियां ने। जे आपां हुण दी गल करिए कि केंद्र दी सरकार वल्लों काले कानून बना दित्ते गए ने और देश दा अन्नदाता किसान उस नूं दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठना पै रिहा है, एजिटेशन करने पै रहे ने, स्टूडेंट्स नूं एजिटेशन करने पै रहे ने, नौकरियां दा कोई थो पता ही नहीं है और सारे देश नूं प्राइवेट करन दी जिहड़ी कवायत है ओह चली होई है बीजेपी दी सरकार वालों, या इस तरह कह लिए कि मोदी सरकार सारा देश कुछ एक हाथां च दे देना चाहते ने। इहदा कारण तां हुण तक समझ नहीं आया, लेकिन जो कुछ देख समझ रहे ने लोग उत्थों ही पता लगदा है कि कुछ एक जिहड़े कारपोरेट घराने ने उन्हां नूं देश दी पूरी वागडोर हौली हौली करके दित्ती जा रही है। लेकिन क्यों दित्ती जा रही है, लोग इस तों बहुत परेशान ने कि साडी अपनी चुनी हुई सरकार साडे पिट्ठ विच छुरा मार रही है। जे आपां सूबा सरकारां दीआं गल करिए उन्हां कोल भी सिर्फ गल्लां ही ने, पाशन है, राशन बिल्कुल भी नहीं है और जिस वेले इलेक्शंस आंदियां ने तां ओह लोकां दे पैरां तक पैण वास्ते जांदे ने। लेकिन जदों इलेक्शन चलियां जांदियां ने, कोई एक पार्टी जित जांदी है तां ओह फिर 4-4.5 साल बिल्कुल नजर नहीं आंदी। लोक अपने नुमाइंदियां नूं, अपने चुने हुए नुमाइंदियां नूं देखण वास्ते तरसदे रहिंदे ने और बेसिक जिहड़ियां सहूलतां ने उन्हां वास्ते भी लोक तरसदे रहिंदे ने। और बहुत सारे ऐसे लोग ने, पछड़े हुए ऐसे इलाके ने जिन्हां कोल दो वक्त दा नहीं इक वक्त दा भी खाना नसीब नहीं है, ना उन्हां कोल घर है, ना उन्हां कोल काम कार है और उन्हां दे जिहड़े बच्चे ने बगैर जिहड़ा है मेडिकल सहूलतां तों जी रहे ने। इस पासे किसी दा ध्यान नहीं जांदा और इक पासे ओह अमीरजादे ने, ओह अमीर लोक ने जिन्हां दे बच्चे रोज जे लखां रुपया भी खर्च कर देन तां उन्हां नूं सारी उम्र कोई फर्क पैंदा नहीं। ओह आजादी तों बाद जिहड़ा बंदा उस वेले अमीर सी ओह अमीर हुंदा चला गया ते जिहड़ा गरीब सी ओह होर गरीब हुंदा चला गया। इस वेले देश दे हालात बड़े चिंताजनक ने। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਏਗਾ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ ਵੇਟ ਲੂਸ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478484087।